एंड हाँ, जो कंटेंट एंड थंबनेल देखकर आप आए हो, यानी कि मैंने पीडब्ल्यू सीखकर राजस्थान क्यों छोड़ दिया, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। एंड मैंने कौन सी विद्यापीठ में ट्रांसफ़र लिया है, वो सब कुछ भी मैं बताने वाला हूँ। सो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं हरियाणा झज्जर से बिलोंग करता हूँ। सो राजस्थान सीकर मेरे से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, ऑल ओवर 6 to 7 hours का रास्ता हो जाता था। तो इसीलिए भी था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर था, एंड मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट एंड नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना वहाँ का बिहेवियर मुझे अच्छा लगा। एंड रही बात हेल्थ इशू की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू फेस करने को मिला, क्योंकि जो वहाँ का खाना वगैरह था वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा था। दैट इज़ अ रीज़न कि मैंने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी और मैंने अपना दिल्ली द्वारका में ट्रांसफ़र करवा लिया। एंड रही बात अब डिस्टेंस की, तो बहुत नज़दीक है ये, 1 hour 20 minutes का ही रास्ता है झज्जर दिल्ली में द्वारका में। एंड रही बात सिलेबस वगैरह की, सो यहाँ पर जो ऑल ओवर इंडिया के विद्यापीठ होती है उन सब के जो एडमिशन होते हैं फेज़ वाइज, तो वो एक साथ ही होते हैं। तो वहाँ पर मैंने फेज़ 2 में एडमिशन लिया था और यहाँ पर भी मैंने फेज़ 2 में ही लिया, क्योंकि इन दोनों का ही सिलेबस मैच करेगा, क्योंकि फेज़ टू जो सिलेबस होता है वो कॉमन रहता है। एंड रही बात अब मैं रहता कहाँ पर हूँ, मैं रहता हूँ अपने बुआ जी के फ्लैट पर, तो खाने वगैरह की अब कोई चिंता नहीं, घर जैसा ही है एकदम। एंड नाउ आई एम फाइन एंड थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग एंड विशेस दी। सो ये मेरा रीज़न था ट्रांसफ़र का, मैंने सीकर से दिल्ली में ट्रांसफ़र करवाया है। एंड यह फैकल्टी हर जगह पर बेस्ट है पीडब्ल्यू में, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बेस्ट ही है। एंड अभी सीटी टेस्ट भी होगा हमारा 9 July को, एंड यही सिलेबस चल रहा है जो वहाँ पर था हमारा। फिज़िक्स में बेसिक मैथ्स हो गई है, वेक्टर हो गया है, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर सेकंड शुरू होने वाला है, बॉटनी में सेल ख़त्म होने वाला है, जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, एंड ब्रीथिंग एक्सचेंज ख़त्म हो गए, बॉडी फ्लूड्स वाला शुरू होने वाला है। यहाँ पर क्लास की टाइमिंग रहती है मेरी सुबह 10:30 से लेके 12:15 तक एक होती है, देन 12:30 से लेके 2:15 तक मेरी एक क्लास रहती है, देन मेरी छुट्टी हो जाती है। एंड यहाँ पर हर वेनसडे एंड संडे को लीव होती है, संडे को रिकवर या बैकलॉग क्लासेस भी रहती हैं। तो यहाँ पर मैं बॉटनी का मॉड्यूल से रीडिंग ले रहा था। अब मैं बताऊंगा आपको एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन, हम सबको पता है कि जो NCERT है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो मिमोनीट बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है MCQ प्रैक्टिस के लिए, जो कि हमें इंटरेक्टिव और बहुत ही अच्छे तरीके से MCQ की प्रैक्टिस करवा देता है। यहाँ से नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इनके पास इन सब चीज़ों का प्रूफ भी है इनके ऐप में, सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कूपन कोड लगाइए AC300, जहाँ से आपको फ्लैट 300 rupees का ऑफ मिल जाएगा। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक वंस। एंड यहाँ पर मैंने शुरू कर दी थी देन बायोलॉजी की NCERT रीडिंग, हम सबको पता है यार NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी, देन मैं लग गया था NCERT की रीडिंग लेने। और आप लोग बताओ, आप लोगों के क्या हाल चाल है? एंड गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है, कभी बारिश हो रही है फिर ये गर्मी हो जा रही है ना। एंड और बताओ क्या हाल चाल है सभी के, कैसा क्या चल रहा है, एग्ज़ाम हुए या नहीं हुए? मे भी अब तो होते होंगे स्कूल वगैरह में, जुलाई में एग्ज़ाम छुट्टियों के बाद समर वैकेशन भी जाने वाली है। हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट।